लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग ने पतंजलि की दवा कोरोनिल को लेकर जयपुर के NIMH अस्पताल को नोटिस जारी किया है। शुक्रवार को अधिकारियों ने बताया कि अस्पताल को नोटिस जारी किया था। इसमें 3 दिन में स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया है। अस्पताल प्रशासन ने इस कथित ट्रायल की न तो सरकार को जानकारी दी और न अनुमति मांगी थी। उन्होंने कहा कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की ओर से जवाब का इंतजार किया जा रहा है। राजस्थान सरकार ने कहा है कि पतंजलि की कोरोनिल दवा को तब तक उपयोग में नहीं लाया जा सकेगा जब तक आयुष मंत्रालय से अनुमति नहीं मिल जाती है। आयुष मंत्रालय की आपत्ति के बाद राजस्थान और फिर महाराष्ट्र सरकार ने दवा पर पाबंदी लगा दी। इससे पतंजलि की कोरोनिल दवा के क्लिनिकल ट्रायल को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके चलते दवा की बिक्री पर रोक लगाई गई है। बाबा रामदेव का पतंजलि संस्थान ने कोरोना की दवा कोरोनिल को निम्स जयपुर में ट्रायल करने का दावा किया था। इसके बाद पतंजलि की कोरोनिल पर उठ रहे सवालों के बीच निम्स के चेयरमैन डॉक्टर BS तोमर ने कहा कि हमने केवल औषधियों का ट्रायल किया है, पतंजलि की कोरोनिल का ट्रायल नहीं किया है। इस बयान के बाद बाबा रामदेव को एक और बड़ा झटका लगा है। कोरोना वायरस का उपचार करने का दावा करने वाले बाबा रामदेव के पतंजलि संस्थान की कोरोनिल दवाई के लॉन्च होने पर सबसे पहले आयुष मंत्रालय हरकत में आया। उसने दवा के विज्ञापन पर रोक लगा दी। इस महीने 23 जून को बाबा रामदेव ने कोरोनिल दवा को लॉन्च किया था।